हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एग्जांपल 4.9। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट ए द मैक्सिमम हाइट, बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, एंड सी द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। So here in this example, you can see that initial velocity is given, which is 28 meter per second, and the ball is thrown at an angle 30 degree. Okay, so आप ये आपका theta zero हो गया 30 degree, और initial velocity जो भी zero है, वो कितना है 28 meter per second. Part A में हमें find out करना है maximum height. ये आप देख सकते हो यहाँ पे maximum height होती है, ये vertical direction में maximum displacement, यानी कि maximum height h find out करना है. पार्ट बी में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। आप इनिशियल आप देखो वो यहाँ पे था, ठीक है, तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस यहाँ पे आएगा सेम लेवल पे, तो ये टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि वो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और तीसरी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है आपको, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू सेम लेवल। तो थ्रोअर ने यहाँ से बॉल थ्रो किया, ठीक है, और सेम लेवल पे जब वापस आता है वहां तक का डिस्टेंस, तो ये आपका क्या होगा रेंज आर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। पार्ट ए में फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाई टू जी साइन स्क्वायर थीटा। वी जीरो स्क्वायर 28 का स्क्वायर है, 2g, g आपका 9.8, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा देखो कितना है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1 बाई 2 होता है, स्क्वायर करोगे 1 बाई 4 हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म यू विल गेट द आंसर h इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर। इन पार्ट b वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। So here in time of flight we know its equation, that is 2v0 by g sin theta 0. So 2 as it is v0 की value है आपके पास 28, g होता है आपका 9.8 और sin theta 0 यानी कि sin 30. So on simplifying this term you will get the answer 2.9 second. And in part c of this problem we have to find the range r. So range आर का इक्वेशन होता है वी जीरो स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा। वी जीरो स्क्वायर है 28, तो उसका स्क्वायर, जी आपका होता है 9.8 और साइन टू थीटा यानी कि थीटा कितना आपका 30 डिग्री है, तो टू थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टर्म यू विल गेट द आंसर 69 मीटर। ओके,